चलते, ट्रेन आ रही है, बहुत ही स्पीड में ट्रेन आ रही है, भाग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं बोला था कि मैं उठ जाऊंगा सुबह 6 बजे, सो मैं उठने में लेट कर दिया क्योंकि मैं रात को सोया था, 1:40 में सोया था और 6:20 में मैं उठा। तो वीडियो जल्दी से एडिट किया, रात को कुछ एडिट किया था और सुबह जल्दी से एडिट किया, उसके बाद अपलोडिंग में लगा दिया। नेट भी अच्छा चला, नेट भी साथ दिया। और वैसे अभी सुबह के हो रहे हैं 7:47। मेरी मम्मा अभी किचन में खाना बना रही है, उनका अभी तबीयत ठीक है, मैं दिखाता हूँ। वेट, और मम्मी यहाँ खाना बना रही है। मम्मी सब्जी क्या चीज़ का बनाया? आलू का, हटो आलू। और पापा का यहाँ भोजन बच रहा है और पापा पूजा कर रहे हैं, ऊपर ही पापा भी पूजा कर रहे हैं। अभी जस्ट फ्लिपकार्ट तरफ से मैसेज आया है क्या, आपका जो माइक ऑर्डर किया है वो पैक्ड हो गया, सो आ जाएगा 10 मार्च को शायद आने का डेट है, थोड़ा लेट है बट आएगा। सो वो तो सरप्राइज़ है आप लोग के लिए। अब और बहुत ही अच्छा शॉटगन माइक है। वीडियो पर बने रहें, चैनल में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आए एक लाइक एक कमेंट जरूर करें। सो फ्रेंड्स, मैं अभी जा रहा हूँ फ्रेश होने, सो जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ। मैं फ्रेश हो चुका हूँ, नहा भी लिया हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अभी जस्ट नहा कर फ्रेश होकर आया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। मैं टेम्पर चेंज कराऊंगा क्योंकि साइड में देखिए, मैं इधर कर रहा हूँ तो हल्का हल्का वाइट आ जा रहा है, आप लोग देख भी रहे होंगे वाइट आ रहा है। सो ये टेम्पर्ड क्या हो गया, हल्का सा साइड में लग गया है जिसकी वजह से वाइट आता है, और इधर अभी ठीक आ रहा होगा बट इस साइड करते हैं तो इस साइड में हल्का जो साइड में वो वाइट आ जाता है। सो टेम्पर्ड चेंज कराना पड़ेगा। सो पहले जल्दी से ब्रेकफास्ट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग खाने में देखा, रोटी है, चावल फ्राई है और धनिया पत्ता का चटनी और आलू कावली चना का सब्जी है। सो पहले जल्दी खा लेता हूँ। मैं ब्रेकफास्ट कर लिया हूँ और अभी जस्ट पता किया फ्रेंड से कि कल जो फ्रेंड्स था वो भी वैक्सीन लेने वाला था बट वो नहीं लिया। मैं भी गया था साथ में, तो जहाँ पे वैक्सीन मिल रहा था तो वहाँ से हट गया, तो हॉस्पिटल में नहीं पड़ता है। सबसे मेन बात ये है कि सरकारी हॉस्पिटल जो है सदर अस्पताल, उसमें नहीं मिल रहा है वैक्सीन। वैक्सीन पहले मिलता था, एक चौक है मेरे घर से हल्का दूर में, गांधी चौक, वहाँ मिल रहा था बट वहाँ से हट गया। अब शायद ब्लॉक में मिल रहा है, सो जाना पड़ेगा ब्लॉक, तब वहीं पर लेना पड़ेगा वैक्सीन। सो फ्रेंड्स, अब मैं जा रहा हूँ वैक्सीन लेने, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है बट अभी पता नहीं सेकेंड डोज कैसा रहेगा, लेकिन फर्स्ट डोज लगा नहीं था उतना बट सेकेंड डोज देखना वैसा ही लगता होगा, थोड़ा नर्वस हो। ठीक है, मैं चला हूँ वैक्सीन लेने। मार्क्स नहीं मिला, जबकि बहुत सारा मार्क्स था बट एक भी मार्क्स नहीं मिला। मार्क्स मिला है बट वो मुझे अच्छा नहीं है, पसंद नहीं आता, तो इसीलिए वो मार्क्स नहीं पहना हूँ। Whispered promises straight to my heart. So finally friends, मैं वैक्सीन ले लिया हूँ। ब्लॉक में भी नहीं मिला, मतलब पहले जहाँ मिलता था ना वो चौक पे, सो वहीं पे मिला बट हल्का साइड में था। फाइनली ले लिया वैक्सीन और मैं स्वेटर खोल दिया था क्योंकि वहाँ पे वैक्सीन देते हैं हैंड, यहाँ पे बाह में दे दिया जाता है वैक्सीन, सो इसीलिए स्वेटर खोलना पड़ा। तो दर्द नहीं देता 1% नहीं, मतलब कुछ नहीं, सीधा दाबते हैं और डाल देते हैं जिस, और ये मिला था। सो देख सकते हैं हल्का हल्का मेरे को दिख रहा है, आपको दिख रहा है या नहीं बट मुझे पता नहीं। अभी तक तो फिलहाल मैं ठीक हूँ, बट तक क्या होगा मुझे पता नहीं, अभी तक फ़िलहाल मैं ठीक हूँ। और हैंड में तो दर्द आएगा वो 100% मुझे पता है, वो तो आएगा ही। सो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग के हो रहे हैं 4:03 और अभी तक फ़िलहाल मेरा ठीक है हालत, हाथ वाथ में दर्द नहीं है। शाम को जाऊँगा मैं घूमने के लिए फ्रेंड के साथ, मतलब एक भाई है यीशु जो कि देखे आप, जो गर्लफ्रेंड वाला जो ब्लॉग डाले हैं उसी के साथ। सो फ्रेंड्स, हो चुका हूँ मैं रेडी, अब मैं जा रहा हूँ स्टेशन यीशु के साथ। सो चलता हूँ। सामने है यीशु, देख सकते हैं। Just another fight.
But you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. सामने एक ट्रेन है जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय, दिल्ली जाती है, न्यू एकदम न्यू सी। सो ये है ईशु, इसका जो गर्लफ्रेंड वाला बताए थे आप इसकी मतलब कितनी गर्लफ्रेंड है? एक भी नहीं है, झूठे दोस्त से बात कर रहे थे दोस्त से। और अभी हम आए स्टेशन ईशु के साथ, इसकी गर्लफ्रेंड आई है स्टेशन अभी। इसमें मात्र जनरल बोगी शायद 5-6 होगा, बाकी सब तो एसी दिख रहा है। जनरल देखो स्लीपर है, हाँ मतलब जनरल जो है बैठने वाला, ज़्यादा 2-3 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सो अभी इधर से जाएंगे आगे, देखता हूँ कहाँ तक जाऊँगा, कोई डिसाइड नहीं है किधर जाना है बस। और इधर ट्रेन बहुत ही कम आती है, लेकिन हाँ इधर से ट्रेन चलती है दिल्ली तक की जाती है, और इधर पटना इंटरसिटी चलती है इधर से, और कॉल बंगाल भी जाती है, वेस्ट बंगाल अंडाल। सो अभी जा रहे हैं मतलब आगे तक, ये अभी टेंथ में जाएगा ये, अभी नाइन्थ में। ये चीज़ समझ में नहीं आता, ट्रेन कैसे क्रॉस करता है दूसरे तरफ, समझ में आता है? इसका चाबी रहता होगा ना भाई, इसका चाबी रहता है, नहीं इसका चाबी है वहाँ पे शायद, या कुछ पहले तो। अरे वहाँ सेटिंग स्टेशन से वहाँ पे। और यहाँ हमारे बीच में आ गई दो बकरी, काली काली, और देख सकते हैं सनसेट क्या मस्त हो रहा है, एकदम देखने में प्यारा यूनिक सा लग रहा है। और एक बात, मेरे पास ड्रोन नहीं है, अगर ड्रोन रहता तो ड्रोन शॉट बहुत ही अच्छा आता इधर का। और ये अपना प्रैक्टिस कर रहा है पटरी में चलने का। अच्छा चलो ईशु, देखते हैं तुम कितना दूर तक चलता है। और ये चलने का प्रैक्टिस कर रहा है पटरी में, देखते हैं कितना दूर तक चल पाता है। और अभी तक तो चल रहा है। ईशु गिर जाओ, तुमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कसम, तुमको आर का कसम 10 किंदरे तुम उतर जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तुम गिरेगा नहीं तो हम गिरा देंगे इसको अब गिर गया इधर से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। सो फोटो शूट हो गया है, जो कि इसके फ़ोन का फ़ोटो है, और इसके पास है ओप्पो, कौन सा है, F19 Pro, अमीरो वाली फ़ोन है इसके पास, वाले फोन, अमीर वाला फ़ोन है, 23,000 का फ़ोन लेके घूम रहा है, 21,000, 20,000, मतलब शुरू में ना फ़ोन का रेट रहेगा है, 1-2 मंथ बाद फिर डाउन हो जाएगा, फिर सोचते हैं, यह सब कोई यही सोचता है कि साला 1-2 मंथ बाद ही लेते तो अच्छा रहता, कम रेट पड़ता क्या इसको, लेकिन हाँ थोड़ा स्टाइल दिखाने के लिए लेना पड़ता है क्या पहले कि सबसे पहले हम लिए हैं ये फ़ोन, सिंगल लाइन तक जाऊँगा उसके बाद फिर आगे, क्योंकि ये सिंगल लाइन ही है, स्टेशन है जिस वजह से आपको दिख रहा था उतना लाइन, बट ये सिंगल लाइन ही है, आपको दिखाता हूँ आगे जा करके। और एक इधर से भी खेत सबका बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। ये चीज़ समझ में नहीं आता इसमें क्या रहता है, पता नहीं इसमें क्या रहता है। और आप लोग देख सकते हैं सिंगल रास्ता आ चुका है, मतलब ये इधर चल जाएगा देवघर जसीडी, जो जो नाम सुने होंगे। सो फ्रेंड्स अभी बैठा हूँ मतलब पटरी पे बैठा हूँ, ट्रेन व्रेन नहीं आता इसलिए टेंशन नहीं लेना, आप लोग जिंदा हैं अभी तक, जिंदा ही रहेंगे। अभी ट्रेन आता है बे? नहीं आता है, डराइए ना। आता है बे? नहीं आता, अभी रात में आता है। बिल्कुल ट्रेन आ रही है, बहुत ही स्पीड में ट्रेन आ रही है, भाग साइड आइए साइड हो ईशु, जल्दी साइड हो। सो गाइस कैसा लगा मेरा मजाक, ये एक फन सा छोटा सा प्रैंक था आप लोग के साथ, जो मैं आ रही हूँ अभी क्या, अब मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है, मम्मी का कॉल आ गया अभी, जस्ट मम्मी का कॉल आया। सो
और भी बहुत सारा फ़ोटो शूट किया है, और फ़ोटो आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो करिए और इसे भी फॉलो करिए, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, काफ़ी शाम हो गया है, अब अंधेरा भी हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, तो ब्लॉगिंग तो हो नहीं पाएगा, अगर जल्दी से पहुँचना पड़ेगा। अभी चलता हूँ जल्दी से घर। देखिए गाइस, अभी बंटू ये हमको मना कर रहे थे, अब खुद बैलेंस करने लगे हैं, और इसमें खट से आवाज कर रहा है कुछ चलते हैं। अब हम भी परेशान करेंगे हमसे नहीं हो पाएगा, पांच हमसे नहीं हो। देखिए पांच गिने भी ना हो गया इनका, खतरों के खिलाड़ी वाले तो अब हम लोग हैं नहीं जो कि ये सब करेंगे। स्टेशन में अब लाइट ऑन हो गई है, तो अब चलते हैं जल्दी जल्दी घर, मम्मी फिर गुस्साएगी। और ये हमारा बाइक BMW S1000 RR। Cause I don't wanna be hate, like the wanna flee, like the wanna leave. I never surrender, but ever remember my lover. Did you give up on me? Have you never learned a lesson? आप लोग को एक बात और बोलना है, ये सब के साथ यही होगा, फोन से जो ब्लॉगिंग करते हैं ना, ये सब के साथ ही होगा कि अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो सो हल्का सा जो आपका फेस है ना वो हल्का टेढ़ा आएगा। ये आप खुद एक बार वीडियो रिकॉर्ड करके आप अपने से खुद देखिए। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ घर, अभी रात के हो रहे 8:30 और मैं डिनर कर लिया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ वीडियो एडिटिंग करने। सो आज आप लोगों ने देखा कि मैं वैक्सीन लिया हूँ सेकंड डोज, और मैं अपने फ्रेंड के साथ स्टेशन में बहुत सारा मस्ती किया। सो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक एक कमेंट, और चैनल में न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए, मस्ती करिए। लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय। Sorry.